सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 1833, जिसको भी मैंने जिम्मेदार बनाया है अगर वो सुई के बराबर भी कोई चीज़ छुपा ली तो कल क़यामत के दिन गद्दारी होगी। तो एक काले कलूटे गवर्नर थे कहीं के, वो खड़े हो गए, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रिज़ाइन करता हूँ, इस्तीफ़ा देता हूँ, इकबल अन्नी या मलक, मेरा इस्तीफ़ा कबूल कर लीजिए। बोला रहिए क्यों? बोले कल मैं अल्लाह के दरबार में हिसाब नहीं दे सकता। तो एक जगह मैंने ये हदीस सुनाई तो एक मुतवल्ली साहब आए मस्जिद के, बोले मौली साहब मैं मुतवल्ली नहीं रहूँगा। अरे भैया काहे नहीं रहिएगा, ये जो हदीस है इसका मतलब वो वाकई मुतवल्ली के लायक है, झगड़ा वाला नहीं है, रगड़ा वाला भी नहीं है, वो ज़बरदस्ती बनाया गया उसको। भाई मैं कभी भी रिज़ाइन कर सकता हूँ, मेरे लिए रोड पर मोर्चा निकालने की ज़रूरत नहीं है, मेरा थोड़ा कुछ फ़ायदा है इससे।